हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू पीसीबी। हम सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया बायलेटरल सीरीज नहीं खेलते, ना टेस्ट मैचेस खेलते, ना टी20 खेलते, ना वनडे खेलते। पाकिस्तान और इंडिया खाली वनडे, खाली वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड टी20 में और एशिया कप में आमने सामने आते, ठीक है। जब बिग थ्री का मामला हुआ था तो पाकिस्तान ने बिग थ्री को सपोर्ट इसलिए किया था कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलेटरल सीरीज होगी, और इंडिया और पाकिस्तान ने बायलेटरल सीरीज पे साइन भी किया था, जिसमें टोटल 8 सीरीज खेली जानी थी 2013 से लेकर 2021 के दरमियान तक, जिसमें 4 सीरीज पाकिस्तान में और 4 सीरीज इंडिया ने होस्ट करनी थी। होम और अवे का सिस्टम था, लेकिन फिर इंडिया बोलता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, ड्यू टू हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देती और हमारी गवर्नमेंट हमें पाकिस्तान से खेलने से मना करती, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की बायलेटरल सीरीज आखिरी दफ़ा 2012 में हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की बायलेटरल सीरीज कभी हुई नहीं, और फिर उसकी वजह से ही पाकिस्तान के उस टाइम के जो चेयरमैन थे उसने इंडिया पर केस किया, जिसका ये मुद्दा था कि इंडिया हमारे साथ बायलेटरल सीरीज नहीं खेलता, उसी वजह से हमारे ख़जाने पर काफ़ी नुकसान हो रहा है और इंडिया को हमें इसका हर्जाना देना पड़ेगा। और इसका नुकसान ये था कि पाकिस्तान केस हार भी सकता था, और इसका फ़ायदा ये था कि इंडिया जो है पाकिस्तान को एक हैंडसम अमाउंट देता और पाकिस्तान का ख़जाना जो है पीसीबी का वो दोबारा से बैलेंस आ जाता। लेकिन उस टाइम के हमारे बोर्ड की और हमारे चेयरमैन की काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उसने यूके जाकर इंडिया पर केस किया बीसीसीआई पर, और उसमें पाकिस्तान ने पीसीबी के ख़जाने से काफ़ी ही बड़ा पैसे लगाए उस केस पर कि हम केस जीत जाए। लेकिन फिर उसका डिसीजन पेंडिंग था। अब 2 दिन पहले उसका डिसीजन निकला है, और उस डिसीजन के मुताबिक पाकिस्तान ये केस हार गया है। और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था कि इंडिया हमें पैसे देगा और हमारा ख़जाना दोबारा से फुल हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान केस हार गया है, जिसका फ्लॉ बैक ही हो गया। पाकिस्तान ने उस केस पर इतना पैसा लगाया था, अच्छे अच्छे लॉयर हायर किए हुए थे, अच्छी अच्छी जूरी हायर की हुई थी, और उस जूरी ने ये डिसीजन लिया कि हर बोर्ड की अपनी मर्जी है और हर बोर्ड की गवर्नमेंट के साथ बोर्ड डिसाइड करेगा, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान ने केस हार गया और पाकिस्तान के बोर्ड पर, पाकिस्तान के ख़जाने पर काफ़ी ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और पाकिस्तान को काफ़ी हैवी किस्म का लॉस होना पड़ा। और इन दी एंड ये हुआ कि 2013 से 2020 हो गए, सात सालों के अरसे में पाकिस्तान की ना सीरीज़ हुई है, पाकिस्तान उल्टा पैसे भी हार गए और ना पाकिस्तान को पैसे मिले, और इंडिया ने पैसे लगाए भी नहीं थे। इंडिया को पता था कि हमने जीतना है, और पाकिस्तान के पास जो थिंक टैंक बैठा उनसे कि हम लगाएंगे और हम पैसे इंडिया से जीतेंगे, और पता चला कि पाकिस्तान हार गए, ना पाकिस्तान को जो लूटे जो पाकिस्तान ने पैसे लगाए थे ना वो मिले, ना वो इंडिया से एक्सपेक्ट कर ना वो मिले। इसका यही मतलब है पाकिस्तान और इंडिया की बायलेटरल सीरीज़ कभी नहीं होनी, और ना टेस्ट मैच हमें देखने को मिलेंगे, वही आईसीसी में हमें देखने को मिलेंगे। आईसीसी में पाकिस्तान और इंडिया का टक्कर देखने को मिलेगा, या किसी इंटरनेशनल आईसीसी टूर्नामेंट में मिलेगा, लेकिन बायलेटरल सीरीज़ हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान ने जो केस किया था कि हमें बायलेटरल सीरीज़ का हर्जाना इंडिया देगा, लेकिन इंडिया ने वो भी नहीं दिया, और पाकिस्तान उल्टा पैसे भी हार गया। और पाकिस्तान ने यूके में जितने भी लॉयर हायर किए हुए, जितनी भी पाकिस्तान ने पेशियाँ की थी, पाकिस्तान का बोर्ड गया था, पाकिस्तान का पूरा मेंबर स्टाफ गया था, उनका खर्चा मर्चा मिलाकर बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगे, लेकिन पाकिस्तान इन दी एंड केस हार गया और पाकिस्तान को फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ। तो काफ़ी बुरी बात है यार कि एक बोर्ड ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और फिर वो केस ही हार गया। तो बस यही न्यूज़ थी आज की वीडियो में, इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं रोज़ क्रिकेट ओपिनियन, क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर लाते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।